जान की परवाह है इसलिए ये सच बताएगा। चाची प्लान बी, अपना अपना मुंह ढक लो, हैं पंखा चालू होने वाला है। छोटी प्लीज। एक दो तीन। मैं बताता हूँ। हेलो। हाँ मैंने आपको लिस्ट भेजी थी, मिल गई ना? मुझे वो सारी चीजें अभी चाहिए, मैं आपसे 10 मिनट में मिलती हूँ। ओके। मेरी वॉच? नहीं नहीं है मेरे पास। हेलो। हाँ मैं बस निकल ही रही हूँ, मिलती हूँ आपसे। मुझे अरमान को किसी भी हाल में बचाना होगा। ये माता रानी। और मुझे कुछ भी करके तुझे फंसाना है आसमा, तुझे फंसाने का और अरमान को जेल से छुड़वाने का सब इंतजाम कर लिया है मैंने। कांड करे कोई भुगते कोई, ये कहावत तो आपने सुनी ही होगी और ऐसी ये कहावत सीरियल उड़ारिया पे इस समय एकदम फिट हो रही है। वेल हाय गाइस, मैं हूं जानवी, वेलकम करती हूँ आपका चैनल की तरफ से। भाई कहावत को जरा डिटेलिंग में जानते हैं। ये बात तो हम सभी जानते हैं कि आलिया और जॉर्डन ने जो है कबीर को मारा है ताकि अरमान और आसमा की जिंदगी में जो उछल कूद चल रही है, जो उनकी जिंदगी बर्बाद हो रही है, वो ऐसी ही बर्बाद हो जाए जैसी कि वो चाहते थे। तो आलिया और जॉर्डन की सजा जो है अरमान और आसमा भुगत रहे हैं। दरअसल जिस तरीके से आसमा के खिलाफ कबीर को मारने के सबूत मिले हैं, वहां पर अरमान इन सबूतों को ऐसे दिखा देता है एकम के सामने कि ये सब कुछ अरमान ने किया है, यानी कि आसमा जो कि बेगुनाह है उसके लिए अरमान बीच में आ जाता है और अरमान को जेल जाना पड़ता है। अब यहाँ पर जो आसमा है वो सोचती है कि मेरे पति अरमान ने मेरे लिए इतनी बड़ी कुर्बानी दी है, गुनाह हम दोनों में से किसी का भी नहीं है, लेकिन फिर भी ये सब हो रहा है, तो मैं 24 घंटे के अंदर अरमान को जेल से बाहर निकालूंगी, जिसने मारा है कबीर को उसका भी पता लगाऊंगी। अब ऐसे में आलिया और जॉर्डन तो इस समय गाइस बहुत ज्यादा खुश हो रहे हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि बस अब तो सारा खेल उनकी मुट्ठी में हो गया है। लेकिन नहीं, आसमा भी जो है बहुत शातिर है। आसमा की जिंदगी में अभी इतने उतार चढ़ाव चल रहे हैं कि वो दिमाग नहीं चला पा रही थी, लेकिन अब लगता है कि अरमान को बचाने के लिए आसमा आलिया की चौखट तक तो पहुंचेगी, साथ ही साथ बात की तह तक भी पहुंचेगी। वैसे आपको क्या लगता है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए अपनी राय और कर दीजिए चैनल को सब्सक्राइब।